ये खुशी महिला पहलवान के मेडल जीतने की है। ये भव्य स्वागत महिला पहलवान के सम्मान में है। जी हाँ, सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिला पहलवान पूजा गहलोत लामपुर अपने गांव पहुंची, तो उनके स्वागत में रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं की खुशी साफ साफ झलक रही थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेमों में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली पूजा गहलोत आज नरेला इलाके में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडा फहराने के लिए पहुंच रही है। उसके स्वागत के लिए गांव भर के लोग इकट्ठा होकर, मैं अपने कैमरामैन साथी को दिखाए, उनको इकट्ठा होकर नाचते गाते उनको लेकर गाँव के चौपाल तक आएंगे। लोगों में स्वतंत्रता दिवस का जो 75वीं सौगात चल रही है, उसमें 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ये जो उमंग है, इसने जीत की खुशी को दोगुना कर दिया है। स्थानीय महिलाओं का कहना था कि पूजा ने ना सिर्फ गांव बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। ऐसी होनहार बेटी सबको मिले और इसी वजह से वो खुशी मना रहे हैं। पूजा गहलोत को गांव की महिलाओं ने नोटों की माला पहनाकर सम्मान दिया। ये आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये झंडा फहराया जाएगा वहाँ पे, और जो ये पूजा गहलोत जी हैं, ये कांस्य पदक जीत के आई हैं वहाँ से, तो उसकी खुशी में हम यहाँ पे मनोरंजन कर रहे हैं एक तरह से। आपको बता दें कि पूजा गहलोत ने हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम में फ्री स्टाइल 50 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने स्कॉटलैंड की खिलाड़ी को 12-2 से मात दी थी। हालांकि पूजा को इस बात का अफसोस भी रहा कि वो गोल्ड नहीं जीत पाई। दिल्ली से नवदीप टुडे के लिए दीपक दहिया की रिपोर्ट। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।